समाजातील प्रत्येक घटकाला समान हक्क देण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत असून याचा मला अभिमान आहे, असे प्रतिपादन उरण मतदारसंघाचे आमदार महेश पालदी यांनी अत्यावश्यक साहित्यांच्या वाटपावेळी केले. महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने लोकनेते दिबा पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम करणाऱ्या कामगारांना अत्यावश्यक साहित्य वाटपाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन गुरुवारी करण्यात आले होते. यावेळी आमदार महेश पालदी यांच्यासह उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते साहित्यांचे वाटप करण्यात आले. हा कार्यक्रम विमानतळ परिसरात आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी L&T चे प्रशासन प्रमुख पी कृष्णन, जयप्रकाश टी के, कन्स्ट्रक्शनचे मॅनेजर उमेश पाटील, अदानीचे वरिष्ठ व्यवस्थापक दिनेश ओझा, प्रकाश लोटणकर, सहाय्यक कामगार आयुक्त शीतल कुलकर्णी, जय भारतीय चंद्र कामगार संघटनेचे अध्यक्ष जितेंद्र खरत, अमर म्हात्रे, चंद्रकांत कडू, निलेश खारकर, मंगेश केदारी यांच्यासह कामगार आणि मान्यवर उपस्थित होते. मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में मार्च से पहले यहाँ का कार्गो टर्मिनल चालू होने वाला है और यही विश्व विक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका भूमि पूजन भी उन्होंने किया है, उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी करेंगे और ये एयरपोर्ट पे काम करने वाले विमाने कई आएंगी, फ्लाइटें उड़ती रहेगी, लेकिन आपके योगदान को सलाम करने वाला ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा महाराष्ट्र का शासन ये आपकी तरफ ध्यान रख रहा है. अगर इन सब स्कीम को ध्यान में रखें तो कई गरीब लोगों का, अभी जितेंद्र जी से हमारी चर्चा हुई कि ऐसे रजिस्ट्रेशन हर जगह हम जैसे कार्यकर्ताओं ने करना चाहिए कि हमारे हर एक के गांव में 100-200 काम करने वाले लेबर क्लास के लोग हैं, अगर उसकी बेनिफिट हो जाए, मतलब सोशल है, मेडिकल है, एजुकेशनल है, बच्चों के लिए है, शादी के लिए है, बगैर शादी के लिए, इन सब चीज़ों में हमारा योगदान रहे और ये सब जिम्मेदारी उस लेबर की नहीं है, ये सब जिम्मेवारी हमारी है. तो आज किट देंगे हम, उनका सत्कार करेंगे, उनको किट की ओर से एक अच्छी पहल हुई है और हम समझते हैं कि और आगे जाके उनके वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं वो सही में इम्प्लीमेंट होना, ये सब इन सब की जिंदगी के खुशी में लाने के लिए हमारा सहयोग हो सकता है. ज़रूरत खाली हमको अवेयर होने की है, ज़रूरत खाली हमें कुछ योगदान देने की है. अगर हम समझते हैं कि हम, अगर आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है, कोई पॉलिटिक्स में है, तो हम सब ने अगर ये जिम्मेदारी साथ में उठाई तो इस अंतिम आदमी का अंत्योदय हो सकता है, अंतिम आदमी का उदय हो सकता है और इसके लिए हम सब ने काम करना चाहिए. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV News सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.